मावादी थी कर राइटर थी ना, मावादी थी कर डॉक्टर, मावादी थी कर इंजीनियर थी, मावादी थी कर पायलट, मावादी थी कर डॉक्टर थी नर्स। लोग मुझसे मोस्टली सवाल करते हैं कि ये बच्चियां जवान होंगी तो आप इनकी शादियां करवाएंगी, आप क्या करेंगी? आप लोगों के जहन में पहला सवाल ये आएगा कि ये फेरी होम क्या है और ये इदारा कैसे रन हुआ, कब रन हुआ, इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली फेरी होम परियों का घर, मैं ये कॉन्सेप्शन देना चाह रही थी। और मैंने 2018 मई में ये स्टार्ट किया था। जब मैंने इनिशिएटिव लिया था तो बेसिकली लोगों की माइंडसेट है कि लड़कियों का इशू है, आप आगे ना बढ़ो, काम ना करो। इनिशिएटिव लेने के टाइम मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे। मैं समझती हूँ कि मेरे साथ उस वक्त शायद कोई नहीं था कि मैं एज अ वाहिद फर्द एक काम मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एज अ फ़र्द एक काम स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि बच्चियों का मसला था, बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी। हमारे जो माइंडसेट है, कॉन्सेप्शन है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, वो नेगेटिव है। क्योंकि जब भी मैं किसी से ये बात करती थी कि जहाँ लड़कों के लिए यतीम खाने हैं, इदारे हैं, उनके लिए काम हो रहा है तो बच्चियों के लिए क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जहाँ लड़के बेसहारा यतीम हो सकते हैं तो वहाँ लड़कियाँ भी बेसहारा यतीम हो सकती हैं, उनको भी शेल्टर की ज़रूरत है। क्योंकि वो एक कहती है ना कि सिंफ नाजुक, वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है ना। और आप जब एक सोच लेकर आओ कि आप अगर हमें पढ़ी लिखी माएँ दोगे तो मैं आपको पढ़ी लिखी कौमें दूँगा। सभी का मुख्य डॉक्टर जो पेशेंट वनो कर इंसानियत एक इंसान हों बन का पैसा वी कर लेकिन पैसा वी कर हर इंसान जो इन मुफ्त इलाज करण चाहें थी इंसानियत की खिदमत थी करण चाहें। मैं डॉक्टर थी कर फ्री में इलाज कद सभी जो भी इन दुनिया जहाँ गरीब मानू आन वी थी कर सिंगर सिंगर्स। लोग मुझसे मोस्टली सवाल करते हैं कि ये बच्चियां जवान होंगी तो आप इनकी शादियां करवाएंगी, आप क्या करेंगी? देखो, मसले का हल शादी तो नहीं है ना। तो मेन बात है, अगर आप बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप उनको एजुकेशन दोगे, उनको इकोनॉमिकल तौर पे, अगर फाइनेंशियल तौर पे आप अगर बच्ची को स्ट्रॉन्ग करोगे तो उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। ये बच्चियाँ यतीम हैं ना, मैं पहले तो ये वर्ड यूज़ करना ही नहीं चाहती हूँ। गार्डन को मेंटेन इसलिए करें कि बच्चों को मैं गार्डनिंग भी सिखा रही हूँ कि आप फूलों को, पौधों को भी लुक आफ्टर करें। ये भी हमारे माशरे के वो हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं इस हवाले से। और ये ट्यूशन रूम है बच्चों की, यहाँ क्लासेस होते हैं बच्चों के ट्यूशन के अलावा, इनके कंप्यूटर क्लासेस भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं इनके। ये बेडरूम्स हैं बच्चों के, ये आप देख रहे हैं क्योंकि एज ग्रुप के हवाले से बेडरूम है। ये केयरटेकर मदरें हैं जो 24 आवर्स बच्चों के साथ ही होते हैं, है बच्चे यहाँ बैठते हैं शाम के टाइम जैसे गपशप लगाने के लिए। कंप्यूटर ते पहिरियों बि ठाहियां जिन ते असां सभु पहिरीं रहंदा आहियूं ऐं मूंखे
कंप्यूटर सीखण में इलाही मज़ो ईंदो आहे असां सभिनी खे ऐं असां कंप्यूटर सिखंदे सिखंदे असांखे इलाही नॉलेज बि मिले थी छो त अॼुकल्ह जो दौरु आहे ई कंप्यूटर जो तंहिंजे करे असांखे अमी फरज़ाना कंप्यूटर जो बि कोर्स करण लाइ ॾिनो आहे जूडो कराठे इहे सभु कुझु असां कयूं था असां ग्रामर पढ़ंदा आहियूं हर कुझु कंदा आहियूं ऐं असां कंप्यूटर में असांखे ॾाढो मज़ो अचे थो ऐं असां इलाही कुझु हिन में सिखियो आहे बच्चियों को एजुकेशन देना चाहती हूँ ताकि ये अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें जब ये अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकेंगे अपने लिए कुछ खुद कर सकेंगे तो अल्लाह करे इन बच्चों के नसीब अच्छे हों उनके लिए अच्छे रिश्ते आएँ जहाँ तक मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ तो एज अ मदर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैं अदा करूँगी इनके नसीब अच्छे होंगे इनके रिश्ते आएंगे तो वो भी करवाऊँगी उनकी शादियाँ भी करवाऊँगी मगर मेरा मेन फोकस ये है कि इन बच्चियाँ अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाएं क्योंकि हर एक बच्ची की एक ड्रीम है वो कुछ सोच रही है वो अपनी ज़िंदगी का एक एम लेकर आई है मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ डिस्कस करती हूँ तो कुछ एक बच्ची कहती है मैं अम्मी सिंगर बनना चाहती हूँ एक कहती है मैं जूडो कराटे मास्टर बनना चाहती हूँ एक कहती है मैं हॉकी में हॉकी ज्वाइन करना चाहती हूँ हर बच्ची की कोई ना कोई एम है कोई टीचर बनना चाहती है कोई क्या बनना चाहती है तो मैं कहती हूँ पहले अपने एम तक बच्चियाँ पहुँचें आज हम यहाँ पे हमें अम्मी फरजाना ने कराठा सिखाने की हिम्मत दी है हम आगे उन लोगों को बताएंगे जो कहते हैं कि औरत पावरफुल नहीं है हम फेरीज आज कराठे सीख के उन लोगों को हम बताएंगे कि फेरी होम की फेरी कितनी पावरफुल है कि वो अपनी सेफ्टी खुद रख सकती हैं तो फेरियों में रह के जितनी सेफ हमें मिली है ना उतनी हमें मैं बोल रही हूँ वहाँ कभी भी कहाँ पर हमें नहीं मिल सकती है यहाँ पे खाना पीना स्कूल जाना कुरानशी पढ़ना नमाज पढ़ना हर चीज़ एक घर में जैसे मिलती है घर से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें मिलती है यहाँ पे हमें अपने बन का मतलब प्यार है यहाँ पे हमें रहने का आएँ और हमारे साथ मिलें और हमारी सपोर्ट करें हमें हमारे फेरीज को सपोर्ट करें कि हम इतना आगे जाएं कि दुनिया हमें देखती रह जाए कि मोस्टली लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये काम किसी पॉलिटिक लीडर को करना चाहिए था किसी बड़े आदमी को करना चाहिए था एक फरजाना जैसे मामूली इंसान क्यों कर रही है ये काम तो मैं उन लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि आप दुनिया में अगर कुछ करना चाहो तो किसी किरदार के आने का इंतज़ार नहीं करो खुद से आगे बढ़ो वो काम करो अपनी विजन को लेके साथ चलो आपके साथ पूरा काफिला होगा माशरा अपना किरदार अदा करे वो इन बच्चों के लिए कुछ बने आगे बढ़े इन बच्चों का सरपरस्त बने We are